उत्तर प्रदेश में प्राथमिक स्तर शिक्षक भर्ती मांग के संघर्ष की वर्तमान स्थिति के बारे में चर्चा करेंगे पिछली उनहत्तर हजार सहायक अध्यापकों की भर्ती में आरक्षण से संबंधित विवादित मामला अभी तक सुलझा नहीं है लेकिन सरकार पूरी तरीके से बैकफुट पर आ गई है इसके बारे में डिटेल में हम लोग बात करने वाले हैं जिस प्रकार से एस ने पीएनपी को निर्देशित किया है कि यूपी टेट दो की नई परीक्षा तिथि पर आवश्यक कार्यवाही करने के संदर्भ में क्या जूनियर एडेट भर्ती परीक्षा की तिथि में भी बदलाव होगा इस पर हम लोग विस्तार पूर्वक बात करेंगे प्रदेश की वर्तमान सरकार के द्वारा सरकारी नौकरी से ठीक पहले पाँच साल संविदा पर रखे जाने के लिए जो काला कानून लाया गया था वो लागू तो नहीं हो पाया लेकिन सरकार उसी के तर्ज पर कार्य कर रही है इसे आपको जानना बेहद जरूरी है डीएलएड 2019 बैच के ऐसे प्रशिक्षुओं जिनकी सेकेंड सेमेस्टर में बैक लगी थी उनको प्रथम सेमेस्टर प्रमोट लाभ दिया जाएगा या नहीं और जिनकी चतुर्थ सेमेस्टर में बैक लगेगी 19 बैच के अभ्यर्थियों के क्या उनका तृतीय सेमेस्टर प्रमोट कैंसिल हो जाएगा सोशल मीडिया साइट्स पर इसको लेकर के बहुत कुछ चीजें चल रही हैं उन्हीं सब चीजों को हम लोग क्लियर करने की कोशिश करेंगे तो अंत तक जरूर बने रहिएगा इस वीडियो के साथ बिना किसी पार्ट को स्किप किए हुए नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है नीरज और आप देख रहे हैं करियर बिट चैनल अगर आप इस चैनल पहली बार विजिट कर रहे हैं तो उसको को प्रेस करना ना भूलें शिक्षक भर्ती भी क्या हम सभी साथी कानपुर ऐसी है और लखनऊ एस सी अगस्त जाने के लिए तैयार है क्यूँकी वर्तमान सरकार हमें नई शिक्षक भर्ती नहीं दे रही है जिसके लिए हम सब साथी लखनऊ चलने के लिए क्या तैयार हैं तैयार हैं हम है? है। सभी साथी सुबह आठ बजे लखनऊ में सी आप सभी को मिलेंगे अधिक से अधिक संख्या में आप सब भी अपने जिलों से निकले और अपने हक की लड़ाई के लिए लखनऊ अवश्य आए किसी एक की लड़ाई नहीं हम सब की लड़ाई है शिक्षक भर्ती विज्ञापन कल के वीडियो में मैंने आप सभी को दिखाया था कि देवरिया जिले से लगभग 200 से ज्यादा प्रशिक्षु 2 अगस्त 2021 को प्राथमिक शिक्षक भर्ती मांग के लिए एस कार्यालय पर उपस्थित होने वाले हैं और आज के वीडियो में आपने देखा कानपुर जिले में से भी भारी संख्या में अभ्यर्थी 2 अगस्त को उपस्थित होंगे एस कार्यालय पर न सिर्फ यही जिले बल्कि लगभग सभी जिले से भारी संख्या में प्रशिक्षु दो अगस्त दो को एस कार्यालय पर उपस्थित होने वाले हैं आरक्षण मुद्दा सिर्फ उत्तर प्रदेश में उनहत्तर हज़ार सहायक अध्यापकों की भर्ती से नहीं जुड़ा हुआ है मध्य प्रदेश में भी आरक्षण मामले को लेकर के बहुत कुछ राजनीति चल रही है स्क्रीन पर आप एक आर्टिकल देख पा पाओगे ये भी मध्य प्रदेश भोपाल का अब न्यूज़ फ्लैश देख पा रहे बी सी महासभा का सत्ताईस प्रतिशत आरक्षण मांग भोपाल में हल्ला बोल और इसी प्रकार से आप देख लीजिए कितने आर्टिकल्स वहाँ पर पब्लिश हो रहे हैं आरक्षण मामले को लेकर के न सिर्फ राज्य सरकार बल्कि केंद्र सरकार भी पूरी तरीके से इस मुहिम से बैकफुट पर आ चुकी है 2023 में मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने हैं उससे ठीक पहले 2022 में उत्तर प्रदेश में भी विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं नीट की परीक्षा में 27 प्रतिशत ओ का कोटा ना दिए जाने के बाद से कई राज्य मंत्रियों ने माननीय प्रधानमंत्री जी को ज्ञापन दिया था मंत्रियों के द्वारा दिए गए ज्ञापन से ज़्यादा प्रभाव विधानसभा चुनाव का पड़ा है केंद्र सरकार पर और इसको देखते हुए उन्होंने शैक्षणिक सत्र 2021-22 से यानी इसी सत्र से ओबीसी अभ्यर्थियों को नीट की परीक्षा में 27 प्रतिशत आरक्षण साथ ही ईडब्ल्यूएस अभ्यर्थियों को 10 प्रतिशत कोटे से आरक्षण देने का फैसला लिया है अब आते हैं उत्तर प्रदेश में यहाँ पर पिछली उनहत्तर जहाँ सहायक अध्यापकों की भर्ती में आरक्षण विवादित मामला थमने का नाम नहीं ले रहा है उत्तर प्रदेश में सरकार बैकफुट पर इसलिए भी है कि जब अभ्यर्थी मांग कर रहे हैं कि आप पूरा डेटा पब्लिश कर दीजिए तो फिर प्रॉब्लम क्या है अगर आरक्षण में घोटाला नहीं हुआ तो डेटा पब्लिश कर देना चाहिए सरकार को दूसरी बात यह है कि सरकार ने बेसिक शिक्षा मंत्री जी ने अभ्यर्थियों को ये आश्वासन दिया था कि चार दिन में रिपोर्ट को वो अध्ययन करेंगे उसके बाद से फिर से एक मीटिंग होगी अभ्यर्थियों के रिप्रेजेंटेटिव के साथ और सभी चीज़ों को स्थिति स्पष्ट की जाएगी लेकिन ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिला जिसकी वजह से भ्रम की स्थिति अभ्यर्थियों में बनी हुई है वो अपने लिए कुछ गलत मांग नहीं कर रहे हैं संविधान के तहत जो सत्ताईस आरक्षण दिया गया है उसी के तहत वह अपने अधिकारों की मांग कर रहे हैं आने वाले वर्ष 2022 के विधानसभा चुनाव को देखते हुए सरकार झुकेगी जरूर लेकिन कम से कम सरकार को ये चाहिए कि जो भी अभ्यर्थियों के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनको और बेसिक शिक्षा के अधिकारियों और माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री जी खुद और मीडिया के समक्ष एक मीटिंग हो ताकि ये क्लियर हो सके कि एमआरसी का चयन किस आधार पर किया गया है आरक्षण का क्या कुछ नियम अपनाया गया था ये सब कुछ पब्लिक डोमेन में चीज़ें होनी चाहिए आप एक संवैधानिक देश में भर्ती कर रहे हैं वो भी इतनी बड़ी भर्ती तो कम से कम नियम तो पारदर्शी तरीके से आप रख सकते हैं तो उसमें सिर्फ आप डेटा बता रहे हैं कि अट्ठारह हज़ार के सापेक्ष हमने इकतीस हज़ार का चयन कर लिया किस आधार पे किया कैसे किया क्या नियम था ये सब कुछ भी तो आपका फर्ज़ बनता है कि लोगों के बीच लाए अन्यथा की कंडीशन में ऐसे ही संशय बना रहेगा अभ्यर्थी भी रोड पर रहेंगे सरकार भी अपने पक्ष को क्लियर नहीं कर पाएगी और इसी प्रकार से भ्रम की स्थिति बनी रहेगी जैसा कि आपको ज्ञात होगा एक वीडियो के माध्यम से मैंने आप सभी को सूचित किया था कि पी और एस सी आर टी की नई तिथियों पर विचार करना शुरू कर दिया है क्योंकि इसी तिथि पर जिस दिन यू पी टेट की परीक्षा प्रस्तावित थी 19 दिसंबर को उसी दिन एक और शिक्षा विभाग से संबंधित प्रवक्ता के पोस्ट के लिए भर्ती परीक्षा का आयोजन किया जाना था जिसकी वजह से दोनों परीक्षाएं क्लैश हो रही थी इसी के क्रम में जूनियर एडिट भर्ती परीक्षा भी आई प्री एग्जाम से क्लैश हो रही है जिसको देखते हुए जूनियर एडिट भर्ती परीक्षा भी तिथि बदलाव किया जा सकता है लेकिन अभी उस पर पी और एस का फोकस नहीं है अभी सिर्फ यू पर इस वजह से फोकस किया जा रहा है क्योंकि अभी इसके लिए आवेदन भी नहीं लिए गए और सिर्फ जूनियर एडिट में सिर्फ परीक्षा तिथि का ही निर्धारण करना है तो सब कुछ क्लियर करने के बाद से फिर से एक बार शासन के पास दोनों को लेकर के प्रस्ताव भेजा जा सकता है हालांकि अभी पीएनपी और एस अंतिम रूप से किसी नई तिथि पर नहीं पहुंची है यू टेट को भी लेकर के जैसा कि आपको ज्ञात होगा प्रदेश की वर्तमान सरकार के द्वारा सरकारी नौकरियों में पाँच साल संविदा पर रखने जैसे काले कानून लाए गए थे लेकिन भारी विरोध के बाद से सरकार ने उस कानून को वापस ले लिया था लेकिन प्रदेश की सरकार उसी तर्ज पर कार्य कर रही है उत्तर प्रदेश में एक लाख से ज़्यादा पदों पर जो भर्तियाँ होनी हैं उसमें तीन भर्तियाँ प्रमुख हैं पहला पंचायत सहायकों की अंठावन पद वो भी संविदा पर भर्ती है मात्र एक वर्ष की वो जॉब है इसके अलावा मनरेगा में महिला मेट की लगभग 22000 से ज़्यादा पदों पर वैकेंसी आने वाली है वो भी संविदा पर ही वैकेंसी होगी शौचालयों के रख रखाव के संदर्भ में भी बड़ी संख्या में वैकेंसी आने वाली है महिलाओं के लिए ये भी सिर्फ संविदा पर ही भर्ती होने जा रही है इसके अलावा संस्कृत महाविद्यालयों में टीजीटी पीजीटी की वैकेंसी निकली हुई है वो भी संविदा पर ही भर्ती हो रही है वो भी मात्र सिर्फ दो वर्षों के लिए पहले के सरकारों में भी संविदा पे भर्तियां होती थी लेकिन वहाँ पर कम से कम टें फिक्स नहीं किया जाता था कि एक वर्ष या फिर दो वर्ष की ये संविदा की भर्ती होगी लेकिन इस प्रदेश सरकार ने संविदा पे भर्ती कर रही है और उसमें भी टेंड्योर फिक्स कर दिया कि हम एक साल के लिए ही भर्ती करने जा रहे हैं संविदा अपने आप में एक कलंक होता है आप चलिए बात कर लेते हैं डीएलएड 2019 बैच के प्रमोट मुद्दे और बैक पेपर से संबंध में जैसा कि आपको ज्ञात होगा 19 बैच के जिनकी सेकंड सेमेस्टर में एक भी सब्जेक्ट में बैक लगा होगा पीएनपी के नए सचिव के द्वारा भी ये स्पष्ट कर दिया गया था कि उनको प्रथम सेमेस्टर के सारे पेपर देने होंगे वहीं सोशल मीडिया साइट्स पर इस समय ये बातें चल रही हैं कि चतुर्थ सेमेस्टर में अगर आपका अधिकतम दो सब्जेक्ट में बैक लगता है तो भी आपको प्रथम तृतीय सेमेस्टर में प्रमोट का लाभ दिया जाएगा लेकिन अगर इस कंडीशन में तृतीय सेमेस्टर में उनको प्रमोट का लाभ दिया जाता है तो फिर सचिव के द्वारा जो सेकेंड सेमेस्टर में बैक लगा है जिनका अधिकतम दो सब्जेक्ट में उनको भी प्रथम सेमेस्टर में फिर प्रमोट का लाभ दिया जाएगा तो ये सभी चीजें अभी विरोधाभास हैं इस वजह से हैं क्योंकि अभी लिखित रूप से कुछ भी आदेश जारी नहीं हुआ है आपको वेट करना होगा जब तक पीएनपी या फिर एस सी आर के तरफ से कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी नहीं हो जाता है इन सभी अफवाहों से दूर रहें लेकिन ये मान करके चलें कि पीएनपी के नए सचिव भी इसी फेवर में हैं कि जिनकी सेकंड सेमेस्टर में बैक लगी थी उनको प्रथम सेमेस्टर के सारे पेपर देने हो सकते हैं क्योंकि प्रदेश सरकार के पास जो पिछले सचिव ने प्रस्ताव भेजा था उसको अभी तक मंजूरी नहीं मिल पाई है और शायद ना भी मिले क्योंकि अट्ठारह बैच में भी इसी प्रकार से ट्रीट किया गया था कि जिनकी बैक लगी थी उनको प्रमोट का लाभ नहीं दिया गया था तो एक ही सरकार में दो नियमों के आधार पर किस प्रकार से कार्य किया जाएगा यह भी संशय का विषय बन सकता है तो आप सभी तैयारी में पूर्ण रहें अगर आपकी बैक लगी है तो आप दोनों सेमेस्टर का पढ़ाई करते रहें क्योंकि पीएमपी के द्वारा अचानक से एग्जाम शेड्यूल जारी कर दिया जाएगा उसके बाद आपके पास समय नहीं बचेगा और डीएलएड में बहुत ज्यादा बैक लगी थी पिछले वर्ष की बात की जाए तो आज के वीडियो में बस इतना ही ऐसे महत्वपूर्ण तो अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद भगवान करे आपका दिन शुभ